किसने? तो गिव अवे हो रहा है, थोड़ी सी आइटम्स है यहाँ पर। Hey guys, this is लेफ्ट वाली ज्यादा यूज करनी है, हार्ड भी वही होगी, इजी है। बाय द वे शी इज राइडिंग अ रॉक राइडर, ये नई साइकिल है मेरी। एंड हे गाइस, दिस इज फैट पिक अप। आज हम जा रहे हैं सीपी, इंडिपेंडेंस डे राइड है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन, इवन दो ये वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी। एंड इवन यू माइट बी नोटिसिंग कि मैं भी इंडिया की जर्सी यहाँ पे पहन के बैठा हूँ। आज फॉर सम रीजन मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये जो पुलिस है बहुत ही ज्यादा है। इस एरिया में तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि पुलिस हो गई, लेकिन मेरे जो एरिया में थे उतनी वहां पर मैंने पुलिस कभी भी नहीं देखी। बैरिकेडिंग थी, प्लस वहां पर मिलिट्री तक आई हुई थी। मैंने कल इंस्टा स्टोरी भी डाली थी कि जिसको भी आना है वो आ सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कोई भी आने वाला है, बिकॉज सबके घर के बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा ये एरिया। अगर एक या दो लोग भी आ जाते तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। दैट्स बंगला साहिब बाय द वे। और ना ही साइकिल सीधा बंगला साहिब ही जा रहे हैं अंदर। कितनी पुलिस है यहाँ, मिल जाएगा ले लो लगा लो। ये एरिया देखो इतना फेमस है यहाँ का, यूल्लू हर कोई यहीं से लेता है, इतनी यूल्लू। हाँ वो ब्लू बाइक सिल्लू है और सब सड़क पे लेटी भी हुई है। अरे सब्सक्राइबर्स, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। कैसे हो? ट्रेस करते करते आ रहे हो तो। अच्छा, ये इनर सर्कल बंद कर रखा है शायद। अपने अपने नाम बता दो। आपका आदित्य? इसका तो सेम ही नाम है भाई, सबसे कॉमन नाम आदित्य है, जो भी होता है आदित्य ही निकलता है। थैंक यू। आप मेरा बचपन से ड्रीम था, मैं आपकी वीडियो बहुत पहले से देख रहा हूँ। विलीज भी आपकी वीडियोस देखी सीखी है, है? सारी विलीज टॉपी मैंने सारी आपको सीखी। डूड फिर तो परफॉर्म करके मुझे दिखाना पड़ेगा बाद में, अभी यहाँ पे नहीं। ठीक है। रोड है। हाँ यहाँ रोड है भैया, मैं आपका बहुत डायट फैन हूँ। अरे थैंक यू सो मच ब्रो। सब है भाई, भैया आपको देखने का तब से कल रात से हमें सोए नहीं आई थी, एक्साइटमेंट हो रखी थी आपसे। यार मैंने एक गलती से स्टोरी डाल दी कि मैं 6 PM मिलूंगा, इतने DMs आए, इतने DMs, सब पागल हो पड़े थे क्योंकि 6 PM को भी आ रखे। हम सुबह 3:30 बजे नजफगढ़ से आए हम। क्या बात कर रही थी तुमसे? दिस इज टू मच। नजफगढ़ से आ जाऊंगा, पेरेंट्स से पहली बार परमिशन मिली है। बच्चा चल रहा था उसको तो सीधा मारा यूं करके बेटा। किसने? क्या बात कर रहे हो, अंदर जाने के लिए? शैतानी वगैरह कर रहा था। अच्छा, वहीं पर ही पुलिस वाले से पकड़ के खड़े। डूड ये तो खतरनाक है यार। अब कई बार साइकिलिंग करते हुए काफी इश्यूज आते हैं, काफी पॉल्यूशन आपको फेस करना पड़ता है, स्किन इश्यूज आते हैं, देन हेयर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड उसके लिए आई डू हैव समथिंग ओवर हियर। दिस इज HK वाइडल फिश ऑयल Omega-3 फैटी एसिड कैप्सूल। This fish oil is a product of Health Card, जो कि 10 years से expert है authentic supplements provide करने में। इसमें 1000 mg Omega-3 capsules हैं। ये जो product है, that is certified from SGS lab, जो कि reputed testing lab है। That means जो भी HK Vitals के products होंगे, वो correct nutrition value देंगे। जो fish oil है, वो आपके eye, hair, स्किन, जॉइंट्स, हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ये सप्लीमेंट एक कंप्लीट हेल्थ बूस्टर है जो कोई भी यूज कर सकता है। एंड इस HK Vitals फिश ऑयल में एक चीज अच्छी है कि इससे आपको फिश ऑयल बर्ब्स नहीं आते हैं। Some people might be thinking ki why do you need this product? Well, ये recovery में help करता है, intense training से injured muscles, soft tissue and joints को heal करने में भी help करता है। If you need clearer, healthier skin or good hair, this product might help you as well. This also improves the nutrition partitioning. That means आपकी जो calories होती है body के अंदर वो ज़्यादा अच्छी तरह utilize होती है muscle growth के लिए, rather storing as a fat. इस product को order करने के लिए आपको description में link मिल जाएगा. And अगर आप coupon code डालेंगे Vahu10, तो आपको वहाँ पे discount भी मिल जाएगा. So don't forget to check out the HK Vitals fish oil. वहाँ पर बहुत क्राउड हो जाएगा। अरे चलो ठीक है ले लो प्लीज भैया, एक मिनट। इधर क्या क्रेज है, मोबाइल पे भी क्राउड लिखा हुआ है। ओ हेलमेट मिला ना एक क्राउड की तरफ से। ओ नाइस। तो आइए
भाई सपना रहा था भैया से मिलने का, इतने साल से आपको वेट कर रहे थे भैया। जिस एक्साइटमेंट में तुम आए थे मैं खुद डर गया था ये क्या हो गया मेरे को मारने आ रहे हैं क्या। नहीं भैया हमने आपको दूर से पता लिया, हमने बोला भाई अच्छा करके रॉन्ग साइड लेके यार पता, लेकिन हम सबसे लोकल से पूछे कि ये कहां। अच्छा नाइस वीडियो ब्रो, जर्सी अच्छी है आपकी। कल इवेंट हुआ था इसका। कौन सा इवेंट हुआ था? कल हुआ था हेल्थ और साइकिलिंग का। साइकिलिंग का था? साइकिलिंग का था। डूड कैसे मिस कर दिया यार मैंने, ये तो ऐसे इवेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरी लाइफ में। आज तो मुझे यहाँ पे राहगीरी वाली भीड़ लग रही है थोड़ी सी। इनर सर्कल वहाँ मिडिल में चला देते। 11 कह रहे थे, देख लो मेरी वजह से डिस्काउंट मिल गया तुम्हें। अरे यार हाँ मैं गया था, मैंने सीक्रेटिव रखा था थोड़ा वो। जब तुम्हें पता लगा कि मैं दे रहा हूँ ना तो मैं दिल्ली आ चुका था। ये सबको शायद नहीं पता मैं थोड़ी डिलेड स्टोरी डालता हूँ। ये मोबाइल है ना थोड़ा सेफ है ये, उड़ा लेते हैं लोग ऐसे। अच्छे व्लॉगर है भाई साहब। अरे थैंक यू सो मच। ओके स्टोरी बना लो पहले मैं एक इंस्टाग्राम के लिए। अभी हम गेट नंबर 2 के पास है मेट्रो वाले पे इनर सर्कल, बिकॉज पुलिस अलाउ नहीं कर रही। थोड़ा सा अपडेट पोस्ट कर देता हूँ। इतने कहाँ से आ रहे हैं भाई, इतने तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मैंने। छोटा सा बच्चा भी है, छोटी सी साइकिल। क्या बात कर रहा है, हाँ ले लो। अब वन प्लस का फोन सीधा सेल्फी पे, वाह भाई। क्या चल रहा है, तुम मेरी स्टोरी बना रहे हो सीरियसली? इतना गंदा लग रहा हूँ मैं आज, वैसे कल टैनिंग हुई है इतनी गंदी मेरी। तभी तो हाँ जी सीरियसली ओन, थैंक यू ब्रो, कितना अच्छा लग रहा है ये। तुम रखो, नहीं मैं सीरियसली एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना। तुम अगर अर्निंग कर रहे हो तो मैं ले लेता, जॉब तो स्टार्ट नहीं हुई ना। ठीक है फिर नहीं ले सकता मैं, ठीक है। सीरियसली यार कितने की मिली है स्काई राइडर? ये आपने बताया था 21 की, ठीक है ठीक मिला। एक टाइम बता दो कोई मुझे। 6:26 और 6:30 का टाइम रखा था मैंने। और तुम सारे पहले क्यों आ गए फिर टाइम से? मैं तो घर दूर आने वाला था। हाँ तो मैं तो, मेरे तो आदत है ना जल्दी आने की। थैंक यू, चलो नाइस टू सी यू। एक काम करते हैं 15 मिनट और वेट करेंगे फिर थोड़ा करते हैं कुछ। ये होता है जल्दी लेना फोटो। सच बताऊं तो मेरा मन यही है कि यहाँ पे कचौड़ी खा के घर जाऊं। बाय द वे सबको पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आज एक गिव अवे भी होने वाला है सरप्राइज। सो थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में, और थोड़ा और भी क्वेश्चन जो मैं हिंट नहीं देना चाहता। सब वो आराम से वो कर देंगे गड़बड़। पेशेंस कर रही है वो। कौन सी सीरियसली? ये बात बताओ ये कवर कितने का लिया और एक प्रैक्टिकल है? बहुत अच्छा है। मोटा नहीं होता ऐसे फोन? नहीं नहीं मोटा तो ज्यादा, पर सेफ रहता है। You're welcome. आई गेस रिस्ट्रिक्शन अब अपलिफ्ट हो चुकी है। एक काम करते हैं चलते हैं रोड के ऊपर। हाय कैसे हो? अरे तू लेट हो गया इंसान। 7000 की साइकिल थंबनेल। अरे हाँ यार ये क्या, इसने दुनिया हिला दी, मार्केट हिला दी, कसम से मार्केट हिलाई तूने। जाप में जहाँ से ली थी ना वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं। अब शायद 18000 के आसपास मिलती होगी। देखो गाड़ी ने टक्कर मारी है। कुछ नहीं हुआ क्या? रिमबैंड हुआ, मेरे से आगे रोडी थी, पूरा रिमबैंड हो गया। शिट, तू तो रोडी को टक्कर मारा कर सीधा, डर के रहे लगी थी आगे से तभी। पूरी राहगीरी वाली फीलिंग्स है यहाँ पर। ड्यू चीप पूरा खाली है यहाँ पर। एक काम करेंगे 2-3 चक्कर लगाते हैं फिर गिव अवे। और आ रहे सीपी फुल करेंगे भाई। ओए क्या हो गया? अरे भाई 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 पहले बता दिया करो, मैं रिकॉर्डिंग तो करूँ। एक काम करो हमें ना राइट लेन खाली रखते हैं, लेफ्ट पे आ जाओ, राइट लेन ट्रैफिक के लिए खाली लग दो। गुड अब ठीक है, ट्रैफिक को भी दिक्कत नहीं आएगी और हम भी आराम से साथ में चल लेंगे। ओई मेरा ऑन था ये कैमरा, शायद पूरा रिकॉर्ड हुआ ये। ड्यूड यही तो खतरनाक, इसमें कट ऑफ ब्रेक्स नहीं है ना, भागती रहती है साइकिल कितना भी कर लो नहीं रोक रहे ना। आगे चली जाती है, गाड़ी को ब्लॉक करे तू पिटवाएगा मेरे को। ना बोलेंगे कि हम जा रहे हैं और आगे हाईवे से उतरते हुए इतने की थोड़ा इंडिपेंडेंस डे के मजे ले हम भी। अच्छा यार ये फोटो पॉइंट है यार, लेनी है अभी फोटोज। अभी यहाँ पे पूरे ग्रुप ने एक साथ लाइन में साइकिल खड़ी कर दी। हाँ? और सब वहाँ पे बैठ बैठ के फोटो। दूर हो जाएगा यहाँ से? हाँ दूर है वो, आसपास कुछ हो तो चल लेना। हाँ जाने भी नहीं देंगे, कंफर्मेशन ही नहीं है तो फिर यहीं रहो। क्या नहीं करा रहा? मैं तो कराऊंगा ऑब्वियसली, हम तो जाएंगे ना, सबकी करा दूंगा। जब आने आ जाओ लाइक
शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ये भी अच्छा आइडिया है। न्यूज चैनल वाले भी आए हैं है? वेलकम। एक सेकंड, ये तो हमारे आगे थी, पीछे कैसे आई? वीडियो बना रही थी। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग। अब नाम भी बता दियो। शुभम। हाँ जी, हेलो बोल दो। हाय हाय, कैसे हो? 300 रुपए ही ले लिए थे मैंने। तेरे लिए थे? कोई मेरा नंबर बांट रहे? अरे मेरा, मैंने कहा आपने वैभव भैया को भेज दिया? कह रहे हाँ भेज दिया। किसने? आदित्य ने भेजा था। भाई मेरा नंबर मत भेजना स्टार्ट करो। ऊपर से मैंने देखा मेरा नंबर भी शायद गूगल पे है। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ ना, मैं कब से आपकी वीडियो देखी है, साइकिल आपकी वीडियो की मैंने सारी वीडियो देखी है। तब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मेरे को ये साइकिल लेनी थी। सीरियसली? अरे हाँ। इसकी वीडियो भी आ रही है मेरे पास, शायद दूसरी वाली है लेकिन उसकी भी आएगी। हाँ, वीडियो दिखाई थी। दूसरा नंबर है तेरे पास? वो ऑन नहीं करता। खत्म कर चुका हूँ नंबर। मैं हर महीने या हर 2 महीने में नंबर चेंज मार देता हूँ। दो नंबर है, दोनों नंबर आपने स्विच ऑफ कर दिए भाई। नंबर चेंज हो गए मेरे भाई। अच्छा चलो, ऑफिशियली राइड ओवर हो चुकी है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, जिसको देखना देख लो। चलो फिर बाय। अरे ये कुत्ता ही तो है जो जिंदगी जी रहा है। सही में आराम से कहीं भी बैठा है, मस्त किसी को नहीं रोक रहे पुलिस वाले, हमें तो तंग कर करके। तो आपका नाम क्या? आप साइकिल को चेज क्यों करते हो हमेशा? ताकि आपका स्टेमिना बढ़े, साइकिलिस्ट की स्पीड बढ़े। निकाल आगे वहाँ, उस तरफ चलते हैं। हाँ ले लो वो पुलिस आगे, चलो वहाँ चले, आगे ले लेना। आपके साथ मिलने के लिए ये साइकिल बाय करी थी, मेरे को पहले क्रॉस के 40 थी। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा मुझे भी जाना है, वो वहीं पे बहुत आते हैं, फिर उन्होंने मुझे ये लेके दी। ओ नाइस यार, नाइस। साइकिल तो अच्छी है आपकी। अच्छा ये भी लगाया हुआ है यहाँ पर। गिव अवे, शिट, गिव अवे करना भूल गया, सब गए क्या? एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी, मैंने सबको बाय कर दिया, मैं भूल गया शिट की गिव अवे करना था। तो गिव अवे हो रहा है, थोड़ी सी आइटम्स है यहाँ पर, हॉर्न प्लस लाइट, रिचार्जेबल। थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस पूछूंगा एंड थोड़े इंडिपेंडेंस डे के बारे में पूछूंगा। तो फर्स्ट, जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है 50th होता है, 51st होता है, तो इस वाला इंडिपेंडेंस डे कौन सा? एक सेकंड, बताने से पहले हाथ रेज करेगा कोई, उसने सबसे पहले किया था वैसे। ओके इसका राइट ही ले लो। सो सेकंड गिव अवे आइटम ये वाली है, बार हेड इंडिकेटर्स मिस्टर के हैं ये। एंड मेरे क्वेश्चन ये है, मेरे जो सबसे पहले पहल रेस किया करेगा उसका ये, मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने एग्जैक्टली? 40.1k। किसने रेस किया था सबसे पहले, किसने रेस किया था? नीचे करो। मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं उसका? वो कितने हैं? 40.9k। ओके, तुम्हारे लिए ना एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे देता हूँ मैं, लेकिन फिर भी डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है? बोलना नहीं है, ठीक है? बताना नहीं है किसी को। सो ये पुलिस वाली लाइट है यहाँ पर, एंड इसका गिव अवे नेक्स्ट है, इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डेट एग्जैक्टली क्या है? इसका सबसे पहले मैंने बोला, बोलना पाकिस्तान की 14 को अगस्त है, इंडिया की ईयर 1942। ओके नाम बता दो। रिशद सिंह। ओके रिशद ने जीता है। तो ये सेकंड लार्ज एसेसरी है, जो मेरी हाईएस्ट व्यूड वीडियो है उसका नेम क्या है? ओके तो जो वीडियो है वो हाउ टू व्हीली ऑन अ सिंगल स्पीड बाइसाइकिल, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मेरी सिंगल स्पीड बाइसाइकिल कौन सी थी उसका हाथ का? फिट ट्रिप कौन सी? रॉन्ग, उसका स्नाइपर। ये वायरलेस लाइट एंड काफी ज्यादा ब्राइट है, वन ऑफ द बेस्ट है ये होया मजा। एंड आई नो थोड़े बहुत बंदे यहाँ से निकल गए थे, मेरी ही गलती थी, मैंने बाय बोल दिया। हो सकता है नेक्स्ट राइड में उनको कि वो विन करने का ऑप्शन मिले। ये किसी ड्राइव को मैराथन चल रहा है, आधे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, चल क्या रहे इनका ये? हद नहीं होगी वैसे, हद है। हाँ आगे मत, आगे। मैं भी चढ़ा के लाया था, लेकिन तेरी भारी हुई है ना यार। इसके टाइम ऐसे मोटे हैं, थोड़े मोटे लग रहे हैं इसके रिम की वजह से, ओवरऑल साइज सही है, बल्कि मेरी बॉडी स्लिप मार रही थी यहाँ पे, इसकी स्लिप नहीं मार रही। हाँ, इसकी स्मूथ चल रही थी। हाँ एंड में फिर वीडियो के लिए करूँ क्या? गाइस मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो के लिए हो पाएगा। लाइक कर सकते हैं, आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपको ऐसी और भी राइड ज्वाइन करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसी राइड रेगुलर लाता रहता हूँ, कभी ना कभी ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, एंड फ्यूचर में और भी राइड आएंगी। एंड दिस इज फैट बाइक।